अब हम लोग लंदन नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग जाएंगे ह्यूस्टन 7th हमें अवार्ड्स के लिए सैटरडे को 5th अक्टूबर पे हो रहे हैं एट एनर्जी एरिना। आप इतनी देर में टिकट बुक कराएं, मैं अरसल को कॉल करूंगा। दीवारे शक के पार है, हम पार आए। अम्मा ने खयाम और गेती की बात पक्की कर दी है। अम्मी ये इसे छोड़, लड़की संभाल। बहुत प्यारी होती जा रही। रबिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आला तालीम याफ्ता लाडली बेटी तुम्हारी बहू नहीं बनेगी, बस। इजहार, इजहार, ये रिश्ते मेरी जबान पर कायम हुए थे। मुझे कोई फंक्शन नहीं करना तो इसका मतलब नहीं करना, जा यहाँ से। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि तुमने मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे अपनी जान की कोई परवाह है। मगर एक बात याद रखना मास, मैं तुम्हें भी मैदान छोड़कर भागने नहीं दूंगी। तुम चाहो तब भी। अरे वाह अम्मी, ये तो बड़ी मजे की खबर सुनाई है आपने। इसका मतलब जुबिया के घर वाले काफी इज्जत देने वाले लोग हैं, तभी तो हमें दोबारा दावत पे बुलाया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जुबिया की अम्मी ने आपको फोन किया था या उसके अब्बा ने? गुल मुझे थोड़ी फोन किया उन्होंने, अरे सलमान को दावत दी थी उसी ने मुझे बताया है। अच्छा वैसे अम्मी एक बात मैं कहूं, ये कोई तरीका ना हुआ। सलमान को चाहिए था उनको कहता कि मेरे वालदेन को दावत दे, एहसास तो दिलाना चाहिए। ओफो गुल कैसी बातें कर रही हो तुम, अरे शायद बड़े लोगों में इसी तरह से बुलाया जाता है। अब छोड़ो हमें क्या शिकवा शिकायत करना। क्या बातें कर रही हैं, जब आपने मेरे ससुराल वालों को दावत पे बुलाना होता था आप मेरे ससुर को फोन करती थी हमसे पहले। अच्छा भाई हम रहे सीधे साधे लोग, हम लोगों में चालाकी तेजी कहाँ से आएगी। हाँ अच्छा खैर दफा करें, वैसे भी मुझे अकबर के घर वालों में अब कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। आप दावत की तैयारी करें और इस दफा जरा जोया को भी साथ लेके जाएंगे। खयाम एक मिनट बेटा, रुको 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 रुको, एक मिनट बस रुको, एक मिनट। ये क्या है खाला, हद होती है यार। चुप करो बस कर। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है श्यामा, कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे जो आके सर पे खड़ी होगी हो। चलो निकलो यहाँ से। बुरी बात है बेटा, ये लो ये लो ये लो, ये खाओ खाओ खाओ, और ये पानी। एक मिनट खयाम, एक मिनट, क्या हो गया है? हर वक्त इतना जल्दी में क्यों रहते हो, ठीक से नजर तो उतारने दो। नजर उतारना बेटा बहुत जरूरी होती है। अरे मुझे किसकी नजर लगेगी खाला, मुझ में ऐसा खास है ही क्या? आप ये क्यों नहीं कहती कि कहीं मेरी बुरी नजर किसी और को ना लग जाए। खयाम ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, ऐसे ही नहीं रोना डाला वाल मास ने मंगनी पर, मरती है हमारे खयाम पर बुरी तरह, उसका तो बस नहीं चल रहा किसी न किसी तरह खयाम उसको हासिल हो जाए। ये क्या बकवास की है तुमने, दफा हो जाओ यहाँ से, शर्म तो आती नहीं है ऐसी बातें करते हुए। कोई गलती से लड़की नाम भी ले लेना इसका, लड़ने झगड़ने पे उतर आती है। श्यामा साफ कहती है किसी और का हक नहीं है खयाम पर सिवाय मेरे। अरे आई बड़ी हक वाली, वो जो अपने चौबारे पर उसने इतनी लंबी आशिकों की लाइन लगा रखी है उनसे उसका दिल भर गया है क्या, जो अब तुम्हारे ऊपर नजर रख के बैठी है वो। अरे कैसी बातें कर रही है आप, खुदा का खौफ करें प्लीज। बिल्कुल ठीक कहती हूँ मैं, हर बात में ना बोला करो तुम, तुम्हें नहीं पता इस लड़की का, तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। कल तावीज लेने गई थी बंगाली के यहाँ, बुर्का पहना था लेकिन मैंने तो साफ पहचान लिया। हाय ये औरतें कोई ना कोई कारनामा करके छोड़ेंगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माजी ऐसों के तावीज नहीं चलते, पक्के फ्रॉडी हैं सारे के सारे। कहती इस श्यामा का कत्ल जरूर मेरे हाथों ही होगा, पता नहीं क्यों नानी इसको इस घर से निकालती नहीं है। श्यामा जी इस घर में तब से हैं जब तुम भी नहीं थे खयाम, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे नानी खुद से अलग करने वाली नहीं श्यामा को। हाँ तो फिर रखे श्यामा को सारी उम्र अपने गले से लगा के, मैं तो वैसे भी यहाँ पे रुकने वाला नहीं, और याद रखना तुम्हें भी यहाँ दोबारा कभी वापस नहीं आने दूंगा।
अगर हिम्मत हो तो अपने इरादे नानी को जरूर बता देना खयाम। बता दूंगा उन्हें भी, और वैसे भी उन्हें अंदाजा है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। हम नहीं, हम सब। कितनी बार याद दिला खयाम। केती, कसम से आजकल सिर्फ तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। बस दुआ करना कि कहीं मेरी बर्दाश्त जवाब ना दे दे इस तूफानी बदतमीजी में। सिर्फ मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर भी कहूँ। खुदा ना करे अगर नुकसान हुआ तो हम दोनों का होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतने सालों में तूने सीखा क्या हमसे? क्या सीखा तूने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। वरना इस दो टके के खयाम की क्या औकात थी? तेरे कदमों में गिरता तू ठोकर मार के चली जाती से। ऐसा कभी ना होता नानी। वो तो मेरी तरफ निगाह उठा के देखना गवारा नहीं करता, नफरत करता है मुझसे। इतनी नफरत क्या आप अंदाजा भी नहीं कर सकती। उसे बर्दाश्त नहीं होती नानी उसकी नफरत भरी निगाहें। अरे नहीं होती तो लौटाती क्यों नहीं? उसकी दी हुई नफरत वापस उसके मुंह पर दे मार, आग लगा दे उसकी जिंदगी, आग लगा दे ऐसी आग जिससे वो मर कर भी आजाद ना हो सके। राख करते उसे मां की तरह। वो नहीं हो सकता राख, उसके साथ गीति की मोहब्बत है नानी। प्यार करते दोनों एक दूसरे से, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो हंसते होंगे दोनों मुझ पे। अरे बेशुमार मोहब्बतों को वक्त और हालात के समंदर में गर्क होते देखा है हमने। भूल जाएंगे, भूल जाएंगे, एक दूसरे का नाम भी याद नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ तू चाहे तो उधार रखना हमारा सेवा नहीं। माफ करना, हिसाब बराबर करना सीखा है हमने। आज हंस रहे हैं ना तुझ पे, हंसने दे, कल तू हंसेगी, तू हंसेगी उन पर। जोया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैं जल्दी आई हूँ। अभी मेरी बुक वापस करें, मुझे कहीं नहीं जाना, बहुत काम है। काम होते रहेंगे जोया, लेकिन सूबिया के घर जाना ज्यादा जरूरी है। चलो सुना नहीं तुमने, जाओ। मैंने कहा ना मेरी किताब वापस करें, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं तुमने जाना है, मैं नहीं दे रही कोई बुक वुक। चलो दे देना, क्या मसला है? अरे छोड़ो ना गुल, तुम भी किसके साथ बहस कर रही हो? जानती हो ना इसे अच्छी तरह से, हमेशा की जिद्दी रही है ये। तुम ये बताओ, देखो जरा कि मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? ठीक तो लग रही हूँ ना? आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन अम्मी मुझे जोया की आदत नहीं पसंद। जुबिया के साथ आखिर आगे रहना है इसने, घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो मत करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख रही हैं आप? है छोड़ो ना, रहने दो इस बहस को। ये बताओ कि चलना है हमें, ये अकबर कहाँ रह गया? वो क्यों नहीं आया अभी तक? अम्मी अकबर नहीं आए, उनको कुछ काम था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है। अम्मी जरा पैसे तो निकालें, सदका दूं मैं इसका। हाँ, तो आप दे देना, आपका भी तो भाई है। अरे इस गुल के पास खराद देने तक के तो पैसे नहीं होते, भला सदका उतारने के पैसे कहाँ होंगे? बाय द वे, आप दोनों इतना तैयार होकर किसके वलीमे में जा रहे हैं? दावत में जा रहे हैं। कैसी दावत? अरे सलमान बेटा, तुम्ही ने तो बताया था कि जुबिया के घर खाने पर जाना है। एक मिनट एक मिनट,
गलत करिए ना आप। उन्होंने आप लोगों को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुझे बुलाया। मुझे आप लोग बेकार में तैयार हो। कितनी बार मैं आपको समझाऊं, प्लीज क्लास क्लास मेंटेन कीजिए आप लोग। बाय बाय। कौन सी क्लास देख रही है? क्लास मेंटेन करें। क्या कर गया ये, तो हमारे साथ ही हाथ करके चला गया। इतनी तैयारी करवाई, आप तो मेरी बेइज्जती करवाया करें, बस बेइज्जती करवाया करें। नहीं इतनी मैं तैयार हुई, तुम किस लिए हंस रही हो? इससे बड़ी हंसी आ रही है, खुश हो गई ना? ये यही चाहती थी। देखो कितने प्यारे फूल है ना। फूल तो होते ही प्यारे, इसमें नई बात क्या है? हाँ लेकिन सब फूलों की खुशबू इतनी दिल फरेब तो नहीं होती ना। देखो अच्छी, सिर्फ अच्छी है। तुम तो हो ही बदजौक, दुनिया की किसी खूबसूरती को सराहते ही नहीं, मोहब्बत क्या खाक करोगे? ऐसा भी नहीं, पर शायद अभी वक्त नहीं आया। जब आएगा तो तारीफ भी करूंगा और मोहब्बत भी। ये नहुसत इसी तरह रही ना तो ये सारा कारोबार ठप हो जाएगा। बुरे दिन आने में देर नहीं लगती, समझी? अब इतने बुरे अल्फाज मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे दुश्मन ताक में बैठे हुए, कब हम मुंह के बल गिरें और वो शादियाने बजाएं। नजर लगी है पक्की पक्की। एक नहीं पांच पांच एडवांस वापस कर चुकी हूँ। और ये पता नहीं कौन सा सोग मना रही है। वो खयाम कौन सी रियासत का शहजादा था पता तो चले, जिसका रोना लगा हुआ है तुझे? ऊपर से बाजी सितारा ने उसके लाड कर करके उसे दो कौड़ी का नहीं छोड़ा। नाकारा इंसान। बस भी कर दे नानी, कितनी बार आप एक बात को दोहराएंगी? कोई गम वम नहीं है मुझे किसी का भी, बस काम करने को दिल नहीं चाह रहा, सो नहीं चाह रहा मेरा। इंसान हूं, मशीन तो नहीं जो चलती रहेगी नानी। मशीन ही बनना पड़ता है बेटा, पैसा कमाना आसान नहीं है, खास तौर पे हमारे धंधे में तो और मुश्किल। चंद साल मिलते वो भी खो गए तो? पैसे से ज्यादा वफादार साथी और कोई नहीं है, ये बात हम जैसी औरतों से ज्यादा और कौन समझ सकता है। जिसने भी इस हकीकत से आंख चुड़ाई ना, उसने हशर खराब किया अपना। अरे अपनी दुश्मन क्यों बन रही है, क्यों बन रही है अपनी दुश्मन? ठोकरों पे आ जाएगी, समझी? बहुत अच्छा सा सजवाइएगा चुबारे को उस्ताद जी, और खाना ना कम से कम 3 रातों का होना चाहिए। रस्म तो एक ही दिन की है ना बेटा, तो खाना 3 रातों के लिए काहे को? क्योंकि 2 से 3 दिन पहले ढोलकी रख रही भाई, जरा नाच गाना होगा, रौनक लगेगी, लोगों को भी तो पता चले कि हमारे घर में कोई रौनक लग रही है, कोई खुशी आ रही है। इंशाल्लाह संदल को इत्तला दे दी थी, वो पहुंच रही है ना? जी उस्ताद जी आ जाएगी, लेकिन शायद एक ही दिन के लिए।
इम्तिहान होने वाले हैं, इम्तिहान खत्म होंगे तो फिर हमेशा के लिए आ जाएगी। अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह तुमको दोनों की खुशियाँ देखना नसीब करे बेटा। आमीन। मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, अल्लाह बहुत मेहरबान। अब तुम देखना ऐसी लाइटें लगवाऊंगा तुम्हारे चौबारे पे कि जिन्हें तुम दिखाना चाहती हो ना जल जाएंगे। ठीक है, जाओ मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो भाई? क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? इधर आ भैया, इधर आ, इधर आ। ये वाली लाइटें तो ठीक करो ना। ये भाई लाइट ठीक करो, इधर पर्दे ठीक करो, इधर के इधर वाली भी। आज तो सितारा झांकिया बड़ी रौनक लगी है। सुना कि मंगनी मंगनी हो रही है छोटी वाली की फिरोजा के लड़के से। वैसे नगीना ने अपनी बेटियों को बड़ी मेहनत से पाला है, कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी उसकी बेटियों के बारे में। अबे तुम नहीं जानते भाई, ये शादी मंगनी सब ढकोसला है, एक आड़ बन जाती है शादी के नाम पर, फिर लड़कियां जो चाहे करें। वैसे ऐसी रौनक और धूमधाम पहली बार देख रहा हूँ इस चौराहे पे। नगीना का निकाह तो जबरदस्ती मिस्कीन फैज अली के साथ चोरी छुपे पड़वा दिया गया था, और फिरोजा ने तो घर से भागकर ना जाने क्या कर लिया यार। चलो एक फैज अली और मिल गया इस खानदान को। देखो आगे क्या होता है, जल्दी कर कस्टमर आने वाला है। ये फिरोजा का लड़का था, कृष्ण सुन तो नहीं लिया? अब सुन लिया तो क्या हुआ, हमने कौन सी गलत बात की है? आप इतनी छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बयान कर रही हैं? मंगेतर है मेरा, वो एक गिफ्ट दे दिया तो उसमें हर्ज क्या? जुबी वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, उसने ख्वाब में भी ये सब कुछ नहीं देखा जो वो खुली आंखों से देख रहा है। इतना बढ़ावा मत दो उसकी लालच को कि एक दिन तुम्हें खुद अपनी गलती का एहसास हो। मम्मी जब एहसास होगा ना तब देखा जाएगा, अभी मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने दे। देखो बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, सलमान के पास है ही क्या सिवाय एक अच्छी शक्ल के? और तुमने देखा उसकी माँ और बहन को कैसे लालची लोग हैं? और मुझे उसके घर वालों से क्या लेना देना है, सलमान पसंद है मुझे बस। दैट्स इट। डोंट बी स्टूपिड। हर औरत की आंख में ऐसी ही पट्टी बंधी होती है जब तक एक मर्द की असलियत उसके सामने ना आ जाए, और जब मर्द औरत से ज्यादा खूबसूरत होता है ना उसका एहसास बर्तरी हद से बढ़ जाता है। जिंदगी भर औरत के सर पे उसकी बेवफाई का खौफ सवार रहता है। मम्मी डैड ने तो कभी आपसे बेवफाई नहीं की। मोर के पर लगा लेने से कोई मोर नहीं बन जाता, इधर पर झड़े और उधर असलियत सामने आ गई। खयाम से गेती की मंगनी करके क्या समझती है नगीना कि उसकी औकात बदल जाएगी? अरे रहेगी तो वही एक्स्ट्राओं के पिछली सफ में खड़ी होने वाली। लेकिन उसको तो ऐसा नहीं लगता, आजकल तो उसके पांव जमीन पे नहीं टिक रहे, और गरूर उसको लगता है कि इसने खयाम से नहीं किसी शहजादे से ब्याह रही है अपनी बेटी को। वैसे गुलनाज बाजी आपको एक बात बताऊं, खयाम दिखने में तो वाकई शहजादा लगता है, लाखों में एक है। गेती आला खुशकिस्मत है कि उसे खयाम मिला है। बकवास बंद कर। खबरदार जो ये बात अलमास के सामने बोली तूने, बच्ची के दिल को ठेस पहुंचेगी, समझी? खामोशी से जाओ, कुछ ना पूछो, और जाकर देखो अलमास क्या कर रही है और मुझे रिपोर्ट दो। नाना बाजी मैं नहीं जा रही, दरवाजा खटखटाऊंगी, खामखा मुझ पर चिल्लाएंगी, मैंने नहीं जाना। जाओ। आज ढोलकी और कल रस्म, अगर अलमास नहीं गई तो मैं तो सारा वक्त लोगों के सवालों के जवाब ही देती रहूंगी ना। उस नगीना को यही लगेगा ना कि हम इसकी फजूल लड़की से चलते हैं।
अरे नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाएगी इल्माज, क्यों नहीं जाएगी? इतनी बेवकूफ थोड़ी है कोई, वो तो उस दिन वैसे ही जरा जज्बात में आ गई थी। गीति, तू तो आज ही इतनी प्यारी लग रही है, शादी के दिन तो पहचान ही नहीं जाएगी। खयाम भी तो कम नहीं किसी से, गीति से ज्यादा प्यारा लगता है। खैर अब ऐसा भी नहीं, हमारी गीति लाखों में एक है। आदाब। आदाब। जीती रहो। अरे लड़कियों क्या बातें हो रही हैं, मेरी बच्ची को नजर ना लगा देना। खुदा नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे भाई तुम लोग क्या यही खड़ी रहोगी आज है? कोई ढोलक वोलक नहीं बजानी नीचे जाकर? बस नानी जा रहे हैं और ऐसी ढोलक बजेगी सात मोहल्ले आवाज जाएगी। अच्छा चलो देखते हैं तुम्हारी ढोलक की आवाज कहाँ तक जाती है। आजा री आजा, धूम मचाते हैं। माशाल्लाह मैं सदके। अरे क्या हुआ मेरी जान, किसी ने कुछ कहा है तुझसे? कहा था इस श्यामा की बच्ची से कि सारे काम छोड़कर गीति के पास बैठी रहना। जरूर किसी ना किसी की गलत बात तेरे कान में पड़ गई होगी और बस मैं अभी खबर लेती हूँ इसकी। नानी किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। तो फिर क्या बात है बताना बेटा। गीति नगीना का निकाह तो जबरदस्ती मिस्किन फैज अली के साथ चोरी छुपे पढ़वा दिया गया था। और फिरोजा ने तो घर से भागकर ना जाने क्या कर लिया यार। चलो एक फैज अली और मिल गया इस खानदान को, देखो आगे क्या होता है। इतनी सी बात है, मैं तो डरी गई थी जाने क्या हो गया तुझे। इतनी सी बात नहीं है नानी, आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है और मेरी एक ही बहन है, वो भी मेरे पास नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आ जाएगी मेरी जान कल आ जाएगी, और वैसे भी रस्म तो कल ही है ना, तो इतनी उदास मत हो। ऐसी रोनी सूरत अपनी माँ के सामने ना बनाना, परेशान हो जाएगी वो। आज मैंने उसे बहुत दिनों बाद खुश देखा। अच्छा लाओ अपना हाथ दो। क्यों? अरे तो सही, पहले सोचा था कि तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा तो तुम्हें ये कंगन पहनाऊंगी, लेकिन फिर जी चाहा कि आज ही तुम्हें ये कंगन पहना दूं। माशाल्लाह अल्लाह हमेशा खुश और आबाद रखे। देखा कितनी प्यारी लग रही लगी ना मेरी बच्ची। माशाल्लाह कहें आपने भी इतने महंगे कंगन दे दिए, पता नहीं संभाल पाएगी कि नहीं। अरे संभालेगी, जरूर संभालेगी, अब तो सब कुछ आ जाएगा इसे। बस मैंने भी सोच लिया है, जैसे ही खयाम की नौकरी पक्की होगी मैं तारीख मुकर्रर कर दूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा बाहर तो आए ना, देखिए लड़कियों ने इतनी रौनक लगाई है, इतना मजा आ रहा है, आए चले। चल आज सबके। आप सबको भी मुबारक हो भाई, माशाल्लाह खुशी का वक्त है, अल्लाह ताला का शुक्र। देखा नानी मैंने कहा था ना महफिल जम जाएगी। ये खाला दिलदार के घर से अब तक कोई नहीं आया, खैरियत तो है? मैं अभी पता करके आ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं जाने की, रहने दो। अब मेरा मतलब है आ जाएंगी अभी थोड़ी देर बाद। और हाँ श्यामा से कहना मैं बुला रही हूँ,
कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। जी अच्छा। हटो सामने से। ऐसे भी क्या जल्दी है कि एक नजर देखना भी गवारा नहीं तुम्हें? मैंने कहा सामने से हटो अलमास। एक बार फिर से कहूँ ना, चाहे गुस्से से सही, अलमास। हाय, अपने नाम पर ही प्यार आने लगता है मुझे। क्या कमी है मुझ में खयाम? क्यों मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करते हो तुम? अरे ना जाने कितने लोग हैं जो मेरे एक इशारे पे जान देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी। कितनी बेशर्म हो तुम। सस्ती अदाओं को बेचकर पैसा कमाने पर फख्र है तुम्हें? जरा खुद को गौर से आईने में देखो, देखो अपना असल चेहरा अगर हिम्मत है तो। अरे आशिकों की इस भीड़ के पीछे जो दुनिया है नफरत करती है वो तुमसे। दो टके की रक्कासा के तौर पे जानते हैं लोग तुम्हें। चलो मेरी औकात दो टके की सही, लेकिन गेतियारा कौन है जिससे तुम अपना रिश्ता बांध रहे हो ना? वो तीसरे दर्जे की एक्स्ट्रा डांसर नगीना की बेटी है और सारी उम्र वही कहलाएगी। और खुद तुम, तुम्हारी असल जड़े यही चुबारा है, यही कोठा है। तुम अपनी असलियत मर के भी नहीं बदल सकते खयाम। खयाम फिरोजा भाई के बेटे हो तुम, एक नाचने वाली जो बहुत पहले इस चुबारे को छोड़ के अपने आशिक के साथ भाग गई थी। यह है तुम्हारा और गेती आरा का असल तारुफ। कुछ और खिदमत करूं आपकी? सुनो सुनो सुनो, खाला दिलदार आ गई। तुम्हारी असल जड़े यही चुबारा है, यही कोठा है। तुम अपनी असलियत मर के भी नहीं बदल सकते खयाम। खयाम, खयाम बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? कुछ नहीं हुआ उस्ताद जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये शोर की वजह से जरा सर में दर्द है, इसलिए यहाँ आके खड़ा हो गया। बेटा तुम्हारी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मैं कल से देख रहा हूँ तुम नीचे भी नहीं उतरे, देखो माशाल्लाह घर में कितनी रौनक है, और कल तो इससे भी ज्यादा होगी। जिससे तुम्हारी मंगनी हो जाए
फिर देखना इस खानदान से कितना मजबूत और कभी ना टूटने वाला रिश्ता बनता है तुम्हारा। और सितारा के बाद तुम ही तो इस घर के सरपरस्त होगे ना। जी बिल्कुल। हाँ भाई खूब मजा आया, आज तो बहुत नाची। जी अम्मा आज तो वाकई बहुत मजा आया। कभी कभी खुद के लिए नाचने में भी कितना मजा आता है ना, ना पांव थकते हैं और ना दिल भरता। हर एक के मुंह पे तारीफ थी बाजी, और इतना उम्दा खाना पकाया था उस्ताद जी ने, क्या बताएं। दिलदार वालों को देखना था, बार बार प्लेटें भरवा रहे थे, खा ही जा रहे थे। अरे श्यामा बुरी बात ऐसे नहीं कहते, अच्छी बात तो ये है कि वो हमारी खुशी में शरीक होने को आई। अब किसी के दिल में क्या है तो अल्लाह ही जाने, लेकिन दुनियादारी निभाना भी बड़ी बात होती है। खैर अम्मा, जलन तो उन्हें देख के साफ जाहिर हो रही थी, आपने देखा नहीं था गेती को किस नजर से देख रही थी वो? मुझे तो वहम ही होने लगा था। जाने दो नगीना, जाने दो। अच्छा वो गेती कहाँ है, सोना नहीं उसे? उसने तो कपड़े भी नहीं तब्दील किए। वो खयाम से बातें कर रही है, आपको तो पता है अगर अपने सारे दिन की कहानी ना सुना दे सो कहाँ सकती है। हमारा खयाम भी कितना प्यारा है, कितना शर्मिंदा, एक बार भी नहीं झांका उसने कमरे में कि क्या हो रहा है। कोई बात नहीं अम्मा, अच्छा है ना हमारा खयाम लड़कियों से दूर रहता है, उसमें ये सब छिछोरपन नहीं है। हाँ माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बच्चा है, हमारी गेती बहुत खुश नसीब है जिसे ऐसा साथी मिलेगा। खयाम तुम यहाँ पर हो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, हमें कितना मजा आया, हम सब ने डांस किया गीत गाए, बहुत मजा आया खयाम। हाँ यहाँ पे सबको सिर्फ नाच गाना ही तो आता है, सबके सब एकदम परफेक्ट हैं इस काम में। हाँ आज मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कभी बाज नहीं आओगे, पर कभी ना कभी तुम रिश्तों की अहमियत जरूर जान जाओगे। जिंदगी में रिश्तों की अहमियत से बढ़ के भी बहुत कुछ होता है गेती, जिसे तुम अभी नहीं समझोगे। कोई बात नहीं, जब हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे तो तुमसे सीख जाऊंगी क्या अहम है क्या नहीं। शुक्र है तुमने मुझे देखा तो सही, सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती थी। अच्छा ये देखो नानी ने दिया है मुझे, अच्छा है ना, ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है, क्योंकि मुझे ये नानी ने दिया है जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। केती, केती तुम जाओ, रात बहुत हो गई और मुझे भी अब नींद आ रही। हाँ सोचा, कल वैसे भी बहुत मसरूफियत है और संदल भी तो आ रही है ना, जानते हो उसके आने का मुझे बहुत इंतजार है, तुम सो जाओ। बहुत नींद आ रही है, बस कल वक्त पर तैयार होके आ जाना, ये ना हो कि मेहमान इंतजार करते रह जाए। शबा खैर।
रखे थे। आज तो बहुत ही थकन हो गई, बस अब कल का फंक्शन अच्छा हो जाए यही फिक्र है। नानी क्यों फिक्र करती हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। अरे तुम ये क्यों रख रही हो, पहने रहो ना कुछ चीजें तो। नानी अभी आदत नहीं है ना सब कुछ पहनने की, तो जब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी तो पहनना शुरू कर दूंगी। चलो ठीक है, ये सब कुछ सेफ में संभाल के रख दो। नानी अभी बहुत थकन हो रही है, सेफ में कल रख दूंगी, अभी इसको यहीं रख देते हैं ना। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लाओ। जिससे तुम अपना रिश्ता बांध रहे हो ना, वो तीसरे दर्जे की एक्स्ट्रा डांसर नगीना की बेटी है और सारी उम्र वही कहलाएगी। और खुद तुम्हारी असल जड़े यही चुबारा है। और फिरोजा ने तो घर से बात कर, तुम अपने क्या कर लिया के भी नहीं चलो सकते। खयाम एक फेज अली और मिल गया इस खानदान को। खयाम फिरोजा भाई के बेटे हो। और फिरोजा ने तो घर से बात कर, बहुत पहले तुम्हारी असल जड़े चलो एक फेज अली और मिल गया इस खानदान को। खयाम और गेती आरा का नहीं, फिरोजा ने तो घर से भी नहीं बदल सकते। एक फेज अली और मिल गया इस खानदान को। आज मेरे दिल को एक इत्मीनान तो हो गया, अब तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे मेरे पास। जी नानी। आए हाय, चलो सोए भाई। थक गई बहुत। के पास